सावन मास में लाखों की संख्या में शिव भक्त गंगा जल लेकर बाबा धाम आते हैं। सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान कर पवित्र गंगा जल को लेकर नंगे पांव ही कांवरिये 105 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करते हैं। धूप बारिश और प्रतिकूल मौसम में भी अनवरत चलते रहने से इन्हें पांव में छाले और विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। बाबा भोले अपने भक्तों को संपूर्ण स्वास्थ्य एवं निरोग काया प्रदान करने वाले देवता हैं। इसलिए तो इन्हें वैद्यों के नाथ यानी कि वैद्यनाथ कहा जाता है। ऐसे में श्रावणी मेला में भोले के भक्तों की सेवा के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। श्रावणी मेला 2019 में सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा कांवरियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए विभिन्न जगहों पर स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई है। श्रावणी मेला 2019 में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 100 चिकित्सक, 29 बड़ी एम्बुलेंस, 5 बाइक एम्बुलेंस और 400 स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया गया है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयां, मरहम पट्टी की व्यवस्था, एनर्जी ड्रिंक, गर्म पानी आदि की समुचित व्यवस्था की गई है। मरीजों के लिए बेड आदि का भी समुचित प्रबंध किया गया है। प्रशासन की तरफ से सभी व्यवस्थाएं व दवाइयां बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध हैं। बढ़िया फील हो रहा है। हम लोग दुमका से हैं और सुल्तानगंज से जल उठा के बाबा नगरी आ ही रहे हैं। अभी कुछ ही दूरी में और तय कर देंगे रास्ता, और 2-4 किलोमीटर बचे हुए हैं। मैं बढ़िया फील हो रहे हैं और बस असरदा है, तो बहुत कृपा है बाबा सर में। रास्ता भी बढ़िया है, बस हर जगह में नल पानी सुविधा सोच के लिए और सरकारी व्यवस्था बढ़िया लगे हुए हैं। हर जगह शिविर लगे हुए हैं निःशुल्क वाले, हर जगह नाश्ता पानी चाय हर एक चीज़ का व्यवस्था है। मेरा नाम सुशील कुमार गुप्ता है, मैं उड़ीसा से हूँ। व्यवस्था तो बढ़िया है और बाकी धूप है, थोड़ा तकलीफ है। धूप व्यवस्था सब जगह अच्छा ही है। बोल बाम।